गोलमाल 4 का ट्रेलर आ चुका है और ये भाई साहब कहना चाहते हैं कि आप भी इसे जरूर देखिए YouTube पर। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि इस ट्रेलर में क्या खास बात है। ये ट्रेलर शुरू होता है एक घर से जहां अजय देवगन सो रहे हैं और वो जागते हैं भूत की आवाज़ से और श्रेयस तलपड़े उन्हें बोलते हैं भूत भूत कुछ नहीं होता। ये ट्रेलर काफ़ी मज़ेदार है और इस ट्रेलर से फिल्म की कहानी थोड़ी बहुत समझ में ज़रूर आती है। ये जो फिल्म है गोलमाल की सीरीज़ की चौथी फिल्म, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेलर में मज़ेदार लग रही है। उसमें अब की बार रोहित शेट्टी ने हॉरर ड्रामा डाला है जो कि भूत आपको डराएंगे नहीं, हंसाएंगे। इस फिल्म में आप देखेंगे कि अजय देवगन को अपना पुराना घर या हवेली मिल जाती है जो कि बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसा उसने कई सालों पहले छोड़ा था। इस फिल्म में पुराने सारे कलाकार होने के साथ साथ कुछ नए किरदारों की भी एंट्री हुई है, जिसमें से एक है प्रकाश राज और तब्बू और परिणीति चोपड़ा, ऐसे मुख्य कलाकार इस फिल्म में एंट्री मारे हैं। और आपको सारी पूरी पुरानी स्टार कास्ट मिलेगी, अशद वारसी, तुषार कपूर और श्रेयस तलपड़े और कुणाल खेमू और अजय देवगन। और रोहित शेट्टी के एक्शन से भरपूर इस फिल्म में आप देखेंगे शानदार कॉमेडी। इस ट्रेलर से साफ साफ समझ में आता है कि एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक आपको देखने को मिलेगी। ये फिल्म ट्रेलर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसका ट्रेलर जो कि 3 मिनट का लॉन्च हुआ है, इसको देखकर आप ट्रेलर में इतना हंस जाएंगे कि आप फिल्म देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लगता है मुस्कान बिखेर के ही सब बाहर निकलेंगे सिनेमाघरों से। ये फिल्म दिवाली पर रिलीज़ हो रही है, इसके सामने है सीक्रेट सुपरस्टार, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि अजय देवगन के आगे आमिर खान नहीं टिक पाएंगे क्योंकि ये फिल्म काफ़ी कॉमेडी है और दिवाली जो कि खुश मिजाज त्यौहार है, लोग इमोशन से जुड़ी फिल्म नहीं बल्कि खूब ज़्यादा ठहाके मार के हंसना चाहेंगे। पीयूष मिश्रा जैसे कॉमेडी कलाकार इस फिल्म में है, जॉनी लीवर है और वसूली भाई यानी कि वो भी जो आपने देखा होगा जैकी श्रॉफ के डुप्लीकेट, वो इस फिल्म में आपको नजर आएंगे। फिल्म में सारे पुराने कलाकारों के साथ नए किरदारों की भी एंट्री हुई है जो अपने कॉमिक अंदाज से आपको हंसाने में कभी भी बाज नहीं आएंगे। और इस पूरे ट्रेलर में तो आप हंस हंस के गुदगुदा गुदगुदा के पागल हो जाओगे। इस फिल्म में एक और ऐसे कलाकार है जो ट्रेलर में सिर्फ एक ही झलक में नजर आए हैं, वो है नील नितिन मुकेश, जिनके 3 नाम हैं लेकिन वो आदमी एक ही है। ये इस फिल्म के मुख्य विलन के रूप में आपको नज़र आ सकते हैं। ट्रेलर में उनको कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं गया है लेकिन उनका जो रोल है वो सस्पेंस में है और वो इस मुख्य भूमिका से जुड़ा हुआ लग रहा है। इस फिल्म में एक और खास बात है, गूंगा बोलेगा, बोल मैं बोलूँगा। इस फिल्म में तुषार कपूर आपको बोलते हुए भी नजर आएंगे। आपने पिछली कई फिल्में देखी होंगी जिसमें तुषार कपूर क्या करते हैं, जो ये माया ओ ऐसे आ ऊ की आवाज़ें आती है वो इस फिल्म में आपको दिखाए जाएंगे। तुषार कपूर इस फिल्म के ऐसे एक्टर हैं जो कि गोलमाल सीरीज़ में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तुषार कपूर यूँ तो कभी चलते नहीं लेकिन गोलमाल में सबसे ज़्यादा जो कॉमेडी टाइमिंग है वो तुषार कपूर की ही बेहतर लगती है और तुषार कपूर की बिना बोले कॉमेडी टाइमिंग गोलमाल की पहचान है। तो ये फिल्म भी तुषार कपूर के कंधों पर ही आपको टिकती हुई नज़र आएंगी। और इस फिल्म के साथ अजय देवगन इस साल एक और नए रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं। इस साल अक्षय कुमार ने 200 करोड़ की फिल्में दी है, एक जॉली LLB 2, एक टॉयलेट एक प्रेम कथा, दोनों ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया। वहीं अजय देवगन की बादशाहों ने भी 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और गोलमाल तो लगभग 200 करोड़ की आंकी जा रही है। आपके लिहाज में कितना कलेक्शन करेगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और फिल्म का ट्रेलर जरूर देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। और इस दिवाली आप गोलमाल करने के लिए तैयार हो जाइए और ये फिल्म सिनेमाघरों में जरूर देख के आइएगा क्योंकि रोहित शेट्टी का एक्शन तड़का और अजय देवगन और बाकी स्टार कास्ट की अशद वारसी, कुणाल खेमू, श्रेयस तलपड़े और तुषार कपूर, तब्बू और परिणीति चोपड़ा की मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म आपको पसंद जरूर आएगी और साथ में इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉमेडियंस भी है जो हमने आपको बता ही दिया। तो जरूर देखिएगा इस फिल्म को और इस रिव्यू का हमें जरूर बताइएगा कमेंट में कैसा लगा। और भी बॉलीवुड की खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बॉलीवुड की हर नई खबर लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। ये इस वीडियो में इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये तुषार कपूर है। हाँ मैं बस उनकी एक्टिंग कर रहा था जो एक्टिंग नहीं करते।